बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वह बिहार के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का वादा करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बीजेपी के वैक्सीन वाले चुनावी वादे की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने की थी। गोखले ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस तरह की घोषणा केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। चुनाव के आखिरी में इस तरह की घोषणा करना मतदाताओं को गुमराह कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन का वादा ऐसे वक्त में किया गया है जब वैक्सीन के आने और भारत में उपलब्ध होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि आदर्श आचार संहिता के 3 प्रावधान हैं। राज्य के चुनावी घोषणा पत्र में संविधान में बदलाव के लिए कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए। वैसे वादे करने से बचना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करते हैं या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। 3, वादों के पीछे तर्क को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब हम 3 ही मापदंडों को देखते हैं, इसके मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन तत्काल मामले में नहीं देखा गया। गौरतलब है कि बीजेपी के कोरोना वैक्सीन को लेकर किए चुनावी वादे पर आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसे वादे कर बीजेपी जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किए चुनावी वादे से आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।